गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वन अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं रेडी वेडी होके आ चुकी हूँ। बिल्कुल जी हाँ, आप देख रहे हैं ईयर रिंग पहनी है, बिंदी पहनी है, कुर्ता पहना है। आप लोग को लग रहा है मैं कहीं जा रही हूँ? जी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। बस मेरा रेडी होने का मन कर रहा था और थोड़ा बहुत शूट वगैरह करना था, तो इसीलिए मैं प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फिर आज के दिन को शुरू करते हैं और लेट सी, देखते हैं क्या क्या होने वाला है। वैसे डिस्क्रिप्शन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। जी हाँ, तो आज मैं अपने सारे सूट के कलेक्शंस आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट सी। हे गाइस, तो पहले मैं कुछ कुर्ते दिखा देती हूँ आपको, जो सिर्फ कुर्ते कुर्ते हैं। मैं उसको कभी जीन्स के साथ तो कभी लेगी के साथ किसी भी चीज़ के साथ डाल लेती हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले ये वाला दिखा देती हूँ। ये वाला आपने उस दिन देखा था, ये वाला मैंने जन्माष्टमी में डाला था। ये पूरा येलो कलर का कुर्ता है और इस पर सिल्वर, ये पता नहीं ये कैमरा ले रहा है, इस पर ये सिल्वर कलर की इसमें पाइपिंग हो रखी है ये नेक पे, और यहाँ पर ये बाजू पे ये बिल्कुल सिल्वर कलर की पाइपिंग हो रखी है। और मतलब बहुत ही रीजनेबल प्राइस में एंड मतलब टू गुड क्वालिटी और एकदम मतलब गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये भी मेरा, अब ये कलर भी मेरा फेवरेट है और ये कुर्ता भी अब मेरा फेवरेट हो चुका है। नेक्स्ट तो ये मेरा नेक्स्ट कुर्ता है, ये ब्लैक एंड ब्राउन में है। इसमें ना यहाँ पे नेक पे थोड़ी सी स्टोन वर्क हो रखा है, ये देखिए, ये सिर्फ यहाँ तक है, ये नेक के लिए है। और इसका बाजू ये यहाँ पर ये ब्लैक है और इसका ये नीचे नहीं, सिर्फ इसका बाजू ब्लैक है। हाँ, सिर्फ इसका बाजू ब्लैक है और ये बिल्कुल ब्राउन एंड ब्लैक में एक ये प्यारा सा कुर्ता है। एक्चुअली ये गिफ्टेड है, ये मैंने नहीं लिया है, तो ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट कुर्ते पे। नेक्स्ट अगेन येलो कलर, येलो एंड वाइट कलर। ये नॉर्मली एक सिंपल कुर्ता है, इसमें कुछ भी ज़्यादा वर्क नहीं है, बट ये भी मुझे ना थोड़ा सा लूज है, फिटिंग कराना पड़ेगा। ये भी एक्चुअली गिफ्टेड है, ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। तो ये मेरा थर्ड कुर्ता हो गया। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। ये जो कुर्ता है ना, ये बिल्कुल ये मतलब ये कुर्ता भी बन जाएगा और ये श्रग भी हो जाएगा। तो मैं इसको कभी जीन्स के ऊपर श्रग के साथ डाल लेती हूँ और कभी नीचे लेगी के साथ इसको कुर्ता बना के डाल देती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये बताए, ये ना जिप वाला है, ये सिर्फ इतना जिप है, बाकी बिल्कुल ओपन है ये। तो ये मतलब ज़्यादा तो मैं इसको श्रग जैसे ही वेयर करती हूँ, कुछ क्रॉप टॉप डाल के उसके ऊपर, फिर नीचे जीन्स डाल के ऊपर क्रॉप टॉप डाल के ये श्रग टाइप में इसको मैं यूज़ करती हूँ। फोर्थ नंबर हो गया। अब आते हैं फिफ्थ नंबर के कुर्ते पे। ये भी एक नॉर्मल सा सिंपल सा कुर्ता है, जब इधर कहीं मार्केट वार्केट जाती हूँ तब पहन लेती हूँ। इसकी जो स्लीव्स है ना, वो ऐसी स्लीव्स है और इसमें ये डोरी लगी हुई है स्लीव्स पे, और ये इसका नेक डिज़ाइन है। ये भी एक ब्लू के अंदर है, ब्लू कलर में। ये येलो, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी लाइट कलर, डार्क कलर तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है आजकल मेरा, पता नहीं क्यों। अब आते हैं सिक्स नंबर पे। ये बिल्कुल हैंडवर्क कुर्ता है, पिंक कलर में एंड वाइट कलर का इसमें वर्क हो रखा है, हैंडवर्क, और इसकी स्लीव्स कुछ इस तरीके की है। ये ना बिल्कुल सेट था, पैंट और ऊपर कुर्ता, पर पैंट मैंने यूज़ कर लिया इसी कुर्ते के साथ, तो इसीलिए अब मैं इसको लेगी पे वेयर करती हूँ। ये भी पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का कुर्ता है ये भी। ये देखिए, एकदम हैंडमेड है ये। इसमें जितना भी ये जो जितना वर्क हो रखा है ना, ये बिल्कुल हाथ मतलब हाथ की कढ़ाई बिल्कुल करी हुई है इसमें ये। तो मेरे ये कुर्ते के कुछ इतने ही कलेक्शंस थे, बाकी जो थे ना वो मैंने डेली यूज़ के लिए घर पे, जैसे ये एक था ब्लू कलर में, ब्लू एंड वाइट, ये भी बहुत अच्छा कुर्ता है और इसको मैंने अब वैसे ही घर पर पहनने के लिए यूज़ निकाल दिया है इसको। बट फिर भी मैं पता है इसको कहीं भी पार्टी हो, मतलब कुछ नॉर्मल छोटे मोटे पार्टी में कहीं भी पहन के चली जाती हूँ, क्योंकि ये कुर्ता मुझे इतना फेवरेट, मतलब इतना कंफर्टेबल और इतना प्यारा लगता है ना ये कलर। खैर, तो कुर्ते का कलेक्शन ख़त्म हुआ, अब आते हैं पूरे सूट के सेट पे। ये वाला आपने देख ही लिया था, जो ये वाला आपको मैंने दिखाया भी था, मैंने ये राखी पर डाला था, पिंक कलर का है, पिंक एंड वाइट कलर का ये बिल्कुल कुर्ता है। और इसके नीचे ये ऐसे पैंट है, तो
तो ये एक सेट हो गया मेरा। सेकंड वाला है ये देखिए, ये ब्लू कलर में है, ये हैवी वर्क है, बिल्कुल नेक में ऐसे बिल्कुल वर्क हो रखा है, और उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के इसमें छोटे छोटे फूल बने हुए हैं। इसका भी मैंने ना एक्चुअली ये मैंने कपड़ा खरीद के सिलवाया था, तो इसमें इसका मैंने पैंट सिलवा लिया था, तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट अभी पैंट या फिर स्कर्ट वाले, तो इसका भी मैंने पता है पैंट ही सिलवाया था, क्योंकि आजकल मेरे पास जितने भी है ना वो सारे ऑलमोस्ट पैंट स्कर्ट इस टाइप में ही है। तो अब जो मैं दिखा रही हूँ ना वो मेरे पास स्कर्ट वाला है, ये एक नॉर्मल सिंपल सा कुर्ता है, सिंपल भी नहीं बोलेंगे इसको, मतलब ये थोड़ा सा हैवी में ही है, इसके साइड में ये सारे वर्क किए हुए हैं, और इसके नीचे मैं स्कर्ट वेयर करती हूँ। एक्चुअली ये स्कर्ट के साथ ही है, और ये स्कर्ट के साथ बहुत सुंदर लगता है पहनने में। मैंने इसको आई थिंक पहना है एक बार ही पहना है मैंने इसको। हाँ, मैं एक दिन कहीं घूमने गई थी, मंदिर गई थी, तो मैंने मंदिर में डाला था, फिर वहाँ से मूवी देखने चली गई थी, तो ये भी मैंने सिर्फ एक दिन डाला है। इसके नीचे का ये वाला स्कर्ट है, ये गोल्डन कलर का स्कर्ट है, लाइट एकदम हल्का वाला गोल्डन होता है ना, एकदम वो वाला गोल्डन था। नेक्स्ट आते हैं इस पे, ये भी एकदम डिसेंट सा कुर्ता है, सिंपल सा एकदम। इस पे भी ना इसके जैसे इस पे ये तो इसके बाजू पे ऐसे गोल्डन कलर की पाइपिंग हो रखी है, और इस ऐसे बाजू पे और ये नीचे ये बिल्कुल गोल्डन कलर की पाइपिंग दे रखी है। कुर्ता जो है ना वो बिल्कुल पूरा सिंपल है, और इसका जो नीचे है ना ये शरारा टाइप है, ये बिल्कुल, ये देखिए, ये मैं पूरा नहीं खोलूँगी इसको, ये ना ऐसे शरारा टाइप में है, ये भी बहुत प्यारा लगता है। शरारा वाला भी मेरे पास एक है यार, मैं तो भूल ही गई थी। तो ये हो गया मेरे पास एक सेट शरारा वाला, ठीक है। इसके साथ दुपट्टा भी था, पर मैं दुपट्टा वेयर नहीं करती कभी। हाँ, कुछ कोई फैमिली फंक्शन हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं लेती हूँ। और ये है मेरे पास, ये वाला मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, ये है मेरे पास धोती कुर्ता, ये ऊपर ये कुर्ता है और इसके नीचे है धोती। ये भी मैंने एक बार ही नहीं, इसको मैंने दो बार पहना है, ये अपने मैंने बर्थडे के लिए ऑर्डर किया था, तो एक बार मैंने अपने बर्थडे पे पहना था, और एक बार जो मैंने गुरुजी का सत्संग कराया था ना उसमें पहना। और ये रहा इसका धोती पैंट, मैं पैंट पूरा ओपन नहीं कर रही, सारे सबकी ना प्रेस खराब हो चुकी है, मुझे दोबारा से अभी मेहनत करनी पड़ेगी इन सबों में। तो ये हो गया इसका पैंट। अब नेक्स्ट आते, ये भी मैंने अपने नहीं वो मैंने अपने लास्ट बर्थडे पे लिया था, शायद बर्थडे पे लिया था नहीं एनिवर्सरी पे लिया था, राइट। ये वाला मैंने अपने बर्थडे पे लिया था, मरून कलर में है, और ये बिल्कुल इसमें गोल्डन सा वर्क है नेक पे, और ये बाजू पे गोल्डन पाइपिंग, और बिल्कुल सिंपल है ये कुर्ता, नीचे इस पे बॉडी में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और इसका जो पैंट है ना उसके ऐसे नीचे, जो पैंट की जो नीचे होते हैं ना उसमें ऐसे गोल्डन पाइपिंग दी हुई है। इसको भी मैंने एक ही बार डाला है, इसको मैं अभी वैसे डालने वाली हूँ, जैसे गणेश पूजा वगैरह आ रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाले डाल लूँ, जो जो मैंने एक एक बार डाल रखा है ना वो सोच रही हूँ मैं अब डाल लूँ इस पे। तो अब आती है लास्ट एंड मोस्ट फेवरेट, ये भी अगेन येलो एंड रेड। इस कुर्ते पे तो ना जाने कितनों का दिल आया हुआ है, पर मैं क्या करूँ, ये है ही इतना प्यारा है ना, ये इसका जो ये बाजू है हुई, और ये बिल्कुल इसका ये नेक हो गया, ठीक है। और जो इसका कुर्ते का जो नीचे का है ना उसमें ये बिल्कुल मोटी सी ये पाइप, मतलब ये वर्क किया हुआ है लेस के साथ, और इसके नीचे ना स्कर्ट है, सॉरी ना पैंट है, ना शरारा है, ना गरारा है, इसके नीचे है स्कर्ट। मैं इसको भी मैं बिल्कुल नहीं खोल रही, आप ऐसे ही देख लीजिए, इसके नीचे है ये बिल्कुल स्कर्ट, और इसमें है ये रेड कलर का दुपट्टा। इसकी पिक्चर्स मैं डाल दूंगी, आप देख लेना, कुछ मैं पिक्चर्स डाल दूंगी, वो देख लेना आप लोग। और ये जो है ना ये मैंने सिर्फ एक बार पहना था, वो भी दो, ये काफ़ी पुराना कुर्ता है, इसको मैंने तीन बार फिटिंग कराया, मतलब वो टाइट करवाया, पहले थोड़ी सी मैं मोटी थी तो मेरे को ये डबल एक्सल लेना पड़ा था, तो अभी मैंने इसको फिर से फिटिंग कराया, पर पहना सिर्फ मैंने एक बार ही है इसको, शायद मैंने एक डेढ़ साल पहले पहना होगा, उसके बाद मैं इसको पहना ही नहीं, मैंने मतलब कुछ
ऐसा कुछ फंक्शन ही नहीं आया जो इसको मैं पहन लूँ। खैर अब तो फंक्शन ही फंक्शन है, अभी तो दुर्गा पूजा आ चुका है और फिर गणेश पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा, अभी तो फंक्शन ही फंक्शन, दिवाली। खैर वैसे तो नई ड्रेस ले रहे हैं हम, बट ये भी नया है, ये सिर्फ 1 घंटा पहना था मैंने इसको, तो बस यही सब मिक्स करके सब काम चला लेंगे। मैं इनमें से कुछ कुछ की जो पिक्चर्स होंगी ना मेरे पास, अभी मैं पहन के और इतना पिक्चर शूट नहीं कर पाऊँगी, जो जो मेरे पास पिक्चर्स होंगे वो मैं इसको डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना। और हाँ, इनमें से किसी भी चीज़ का मेरे पास जो मैंने मिंत्रा से लिया था ना, सिर्फ उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी, बाकी सारे मेरे से शॉप से खरीदे हुए हैं, तो सब मैंने शॉप से जाके लिया हुआ है, परचेस किया है, तो इसीलिए मैं किसी चीज़ का भी मैं लिंक तो प्रोवाइड नहीं कर सकती। सिर्फ जो एक धोती कुर्ता मैंने दिखाया था वो मैंने मिंत्रा से लिया था, अगर मुझे मिलता है तो मैं उसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग देख लेना। बाकी तो सब मेरे शॉप से परचेस किए हुए, तो सॉरी उसके लिए मैं लिंक नहीं दे सकती। हाँ एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये मैंने अभी सिला नहीं है, ये तो मैंने आपको दिखाया ही था जो मुझे राखी पे मिला था, इसको सोच रही हूँ अभी सैटरडे संडे जाके, ये भी पता है एकदम येलो भी नहीं बोलेंगे इसको, कौन सा कलर बोलेंगे, क्रीमी क्रीमी कलर है, ये भी मैं सोच रही हूँ सैटरडे या संडे जाके इसको सिलवाने के लिए दे देती हूँ, तो ये भी एक हो गया। तो बस यही था सारा कलेक्शंस, मेरे कुर्ते के कलेक्शंस यही है। तो चलिए फिर इस फटाफट से समेटती हूँ, सब पूरा मैसअप हो गया है, सब कुछ सेट करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, तो ऑलमोस्ट मेरे सारे सूट के कलेक्शंस मैंने आप लोग को दिखा दिए, पर पता है अभी भी मुझे ना 2-3 सूट मिल नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया, एक पर्पल कलर का था, एक पिंक कलर का था, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। खैर वो मैं देखना पड़ेगा, अगर इधर उधर कहीं रख दिया हो मैंने तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा। तो बस आज का व्लॉग इतना सा ही था, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको मेरी सूट की सारी कलेक्शंस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और किस टाइप की आपको वीडियो देखना पसंद है वो भी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उसको भी बनाने की कोशिश करूँगी पूरी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय। एली से मिलवाती हूँ मैं, 1 मिनट, क्योंकि बिना एली से मिले हुए जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। 1 मिनट, एली बोलेगी कि जो मेरे मम्मा, तो एली बोलेगी कि जो मेरे मम्मा के चैनल पे नया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, बाय बोल देते हैं, उसको जाना है, उसने खाना खा लिया, मैंने आज उसको बोला था घूमने जाएंगे तो उसको घूमने जाना है, ठीक है, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ कि आप लोग को देखने में भी मज़ा आए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। तो चलिए फिर बाय बाय।